रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का अद्भुत किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने आदि पुरुष पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताया, उससे पहले आपको बता दें कि दशकों पहले रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का रोल निभाकर दीपिका चिखलिया ने हर दिल में जगह बना ली थी। लोग उन्हें असल में माता सीता मानकर पूजने लगे थे। वहीं अब रामायण की सीता ने ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदि पुरुष पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। दीपिका ने एक इंटरव्यू में हाल ही में रिलीज हुई प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म के बारे में कहा कि हिंदू महाकाव्य से किसी भी तरह की छेड़छाड़ को आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा। दीपिका ने यह भी कहा कि हिंदू महाकाव्य एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है और फिल्म मेकर्स को हर कुछ सालों में नए बदलाव के साथ आने से बचना चाहिए। आदिपुरुष रामायण की एक भव्य मल्टीलिंगुअल रिटेलिंग है। इसके डायलॉग्स, बोलचाल की भाषा और हिंदू महाकाव्य के कुछ कैरेक्टर्स की गलत व्याख्या के लिए आलोचना का शिकार हुई है। दीपिका चिखलिया ने आगे कहा, हर बार यह पर्दे पर वापस आएगी, चाहे वह टीवी हो या फिल्म हो। इसमें कुछ ऐसा होगा जो लोगों को आहत करेगा, क्योंकि आप रामायण की एक प्रतिकृति नहीं बना रहे हैं जिसे हमने बनाया था। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हम लगातार हर साल या दो साल में रामायण बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रामायण एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, या कुछ ऐसा है जिसे आप सीखते हैं। ये एक किताब है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यही हमारे संस्कार है। आपको बता दें कि दीपिका चिखलिया ने अभी तक आदि पुरुष नहीं देखी है। इसे लेकर उन्होंने कहा, फिल्म के चारों ओर नेगेटिव चर्चा है और इसलिए वे इसे देखने पर विचार भी नहीं कर रही हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इस बिंदु पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग मेरे पास इसके बारे में पूछने आ रहे हैं, सारे लोग प्रेस से भी हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब माता सीता का अद्भुत किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने बड़ी बात कह दी है। अब आदि पुरुष पर तो वैसे भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब माता सीता के इस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।